हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे डोसा बैटर। इसके लिए हमें चाहिए 2 ग्लास चावल, आप कोई भी चावल सस्ता वाला मार्केट से ले सकते हैं, आधा ग्लास उड़द की दाल और थोड़े से मेथी के दाने। हमने यहाँ पे 2 बर्तन ले लिए हैं। अब हम इसे अलग अलग भिगोएंगे। चावल को डाल लिया है एक कटोरे में, एक कटोरे में उड़द की दाल और मेथी को डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए पानी में छोड़ देंगे। अब हमारे 10 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमने चावल और दाल को अलग अलग छान लिया है। देखिए कितने अच्छे भीगे हैं हमारे चावल और दाल। अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सर की कटोरी में। हम चावल दाल दोनों साथ में पीस रहे हैं। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी पीस के मिला सकते हैं। इसे बंद कर लेना है अच्छी तरह। हमने दाल और चावल को यहाँ अच्छी तरह पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे बैटर यहाँ पे हो चुका है रेडी। अब हम इसे ढक देंगे 12 घंटे के लिए। अब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसका इस्तेमाल डोसा बनाने में कर सकते हैं।